मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे मैं सोसाइटी में चेंज लेकर आऊँ। इम्पॉर्टेंस हम खुद जनरेट करते हैं, अपनी हिफाजत खुद करनी आनी चाहिए, क्योंकि हर वक्त हमारे साथ हमारे फैमिली मेम्बर्स नहीं हो सकते। अगर वो बहुत बहादुरी का मुजाहरा करते हो तो एक चीख मार लेते हैं। एक्चुअली सेल्फ डिफेंस जो है ये एक कम्प्लीट डोमेन है, ये आपको फिटनेस से रिलेटेड हर चीज़ सिखाती है। योगा जो एक्चुअली आपके गुड हॉर्मोन्स डिवेलप कर रही होती है, आपका फोकस डिवेलप कर रही होती है। जो हमारा इशू है वो ये कि हम चीज़ों पर फोकस नहीं रख पाते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम हमेशा ऐसी स्टोरीज़ आपके सामने लेके आते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड हुई है, लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐसा पॉजिटिव चेंज आया है जिसने उनको इंस्पायर किया और उनकी ग्रोथ में उनकी मदद किया है। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा मुजम्मिल साहिबा, ये सेल्फ़ डिफेंस ट्रेनिंग और फिटनेस एक्सपर्ट हैं। हम इनसे जानेंगे कि सेल्फ़ डिफेंस ट्रेनिंग की तरफ इनका रुझान कब और कैसे डेवलप हुआ। इसके साथ साथ ये मुस्लिम वर्ल्ड में फ़र्स्ट जो फीमेल एम्बेसडर हैं स्पेशल पर्सन मार्शल आर्ट्स की, और 101 क्रेडिबल वुमेन जो USA में एक बुक शाया हुई है उसमें भी इनको शामिल किया गया है। हम इनसे जानेंगे कि ये कौन सी ट्रेनिंग देती हैं और मार्शल आर्ट्स की तरफ इनका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, और वुमेन में जो ये एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की तरफ रुझान है ये उसको कैसे देखती हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अस्सलाम वालेकुम आयशा मुजम्मिल साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बेहद शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि इस फील्ड में इंटरेस्ट आपका कैसे डेवलप हुआ? सर, मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे मैं सोसाइटी में चेंज लेकर आऊँ, और सबसे पहला जो चेंज मैं लाना चाहती थी वो यही था कि बच्चियाँ अपने आप को बहादुर महसूस करें, और जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपने पेरेंट्स को अप्रोच करने की बजाय मसले को सेटल करके अप्रोच करें। मैम, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ख्वातीन के लिए कितनी अहम है, आप क्या समझती हैं? देखिए, मैं समझती हूँ रोज़े अज़ल से ये ट्रेनिंग ख्वातीन के साथ है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इस्लाम उठाकर देखें, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बेशुमार साहबिया शमशीर ज़न घुड़सवार थी, अपने मुजाहिदीन के साथ जाया भी करती थी। तो इसका मतलब ये ज़रूरत तो रोज़े अज़ल से है, लेकिन ये ज़रूर है कि हमने वक्त के साथ साथ इसको निगलेक्ट किया है, जिसकी वजह से माशरे में हमने बिगाड़ देखा है। मैम, डिफेंस ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें जब ख्वातीन की बारी आती है तो हम थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं, आप इसको कैसे देखती हैं? क्या ये उनके लिए बहुत अहम है आजकल के दौर में, और अगर कोई इस ट्रेनिंग को ले लेता है तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है? सर देखिए, बात ये कि इम्पॉर्टेंस हम खुद जनरेट करते हैं। हम सबको ये तो पता है कि अपनी हिफाजत खुद करनी आनी चाहिए, क्योंकि हर वक्त हमारे साथ हमारे फैमिली मेम्बर्स नहीं हो सकते, और हादसा कभी बता कर नहीं होता, जो भी होता है अचानक होता है उसमें आपके हवास सलब हो जाते हैं। इसलिए भी ख़वातीन के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है कि बाय नेचर जो होते हैं वो चूँकि डेलिकेट होती हैं, और उनको ये शुरू से तरबियत मिलती है कि आपको बहुत प्यार से प्रोटेक्शन से हैंडल किया जाएगा, तो वो ये अज्यूम नहीं करती हैं कि बात है किसी भी मुश्किल हालत में वो अपनी मदद खुद करेंगी। तो ये सबसे पहला चैलेंज होता है उनके लिए कि उनको ये यकीन ही नहीं होता कि वो अपने लिए कुछ कर सकती हैं, और अगर वो बहुत बहादुरी का मुजाहरा करते हैं तो एक चीख मार लेती हैं जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या अगर कोई उससे भी बहादुर बची है तो एक थप्पड़ मार देती है। उससे अच्छा असर तो नहीं पड़ता, अलबत्ता बुरा असर ज़रूर पड़ता है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि व्हाट शुड बी दिस स्टेप फॉरवर्ड। जो एक्चुअल चीज़ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की तरफ मुझे लेकर आई है वो यही है कि आपको पैनिक में किस तरह से सिचुएशन को अपने लिए फेवरेबल करना है। आपके पास इतना वक्त होना चाहिए कि आप सिचुएशन को ऑपोजिट कर सकें, जो आपको हरास करे वो खुद हरास होकर वहाँ से चला जाए, इतना आपको आना चाहिए कम से कम। मैम, आप योगा की भी एक्सपर्ट हैं, इस तरफ इंटरेस्ट कब और कैसे आया? एक्चुअली सेल्फ डिफेंस जो है ये एक कम्प्लीट डोमेन है, ये आपको फिटनेस से रिलेटेड हर चीज़ सिखाती है, और योगा में मेरा इंटरेस्ट तो वैसे बचपन से ही था, लेकिन जब मैंने स्पेशल बच्चों की मार्शल आर्ट्स में कैनेडा से कोर्स किया तो उसमें मैंने देखा कि चूँकि ये बाहर का करिकुलर में, तो उन्होंने जो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था ना उनका, वो आपकी फ़िटनेस पे था, आपकी बॉडी अवेयरनेस पर था। यानी कि उतना शायद सेल्फ डिफेंस में मैंने नहीं बॉडी को एनालाइज किया होगा या उतना पढ़ा होगा जितना मैंने उन सालों में पढ़ा। तो उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि अल्लाह ने इतनी खूबसूरती से हमें जनरेट किया है कि हमें उसके बारे में और भी पता होना चाहिए कि आप कैसे बेहतर कर सकते हैं मज़ीद। मैम, प्रेजेंट मोमेंट में रहना आजकल के दौर के इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो गया, एक चैलेंज है, वो हर वक्त पास्ट में या फ्यूचर की थिंकिंग में रहता है, तो योगा किस तरह से हेल्प करती है आपको प्रेजेंट में आने के लिए?
योगा जो एक्चुअली आपके गुड हॉर्मोन्स डेवलप कर रही होती है, आपका फोकस डेवलप कर रही होती है। जो हमारा इशू है वो ये कि हम चीज़ों पर फोकस नहीं रख पाते, हमारा फोकस भटकता रहता है। अगर हम वही आपकी बात की, आप प्रेजेंट में हैं, आप पास्ट में घूम रहे हैं, आप पास्ट में फ्यूचर में घूम रहे हैं, प्रेजेंट में अगर आपको रहना है तो यू शुड बी नीड द फोकस। योगा प्रैक्टिस और मेडिटेशन आपको फोकस करवाती है बहुत, और वो जो फोकस होता है इनर पीस आपको प्रोवाइड करता है, जिससे आपका पास्ट का जो बार बार इंट्रैक्शन है, आना जाना, वो ज़रा कम हो जाता है। मैम, योगा के करीब करीब है स्पिरिचुअलिटी, आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखती हैं और योगा के साथ इसका क्या एक लिंक है? देखिए, स्पिरिचुअलिटी मेरे हिसाब से आपका और अल्लाह ताला का एक मजबूत बाउंड है, कि आपका कितना अल्लाह से मजबूत बाउंड है। जो आपका अल्लाह से स्ट्रॉन्ग बाउंड है वो आपको पीस ऑफ माइंड देता है, और योगा जो है वो आपको पीस ऑफ माइंड ढूंढने में हेल्प करता है, क्योंकि खामोशी, सुकून जो है, इनर पीस, वो आपको इससे मिलता है। और स्पिरिचुअलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, क्योंकि इफ़ यू आर प्योर तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी सोल को प्योर करने के लिए भी योगा बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि डिटॉक्स कर रहा होता है आपकी नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी को, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स को फिल आउट कर रहा होता है। मैम, आपने नेशनली इंटरनेशनली काम किया, आप रिकॉग्नाइज्ड हैं, वॉइस ऑफ कनाडा में भी आपका एक इंटरव्यू आ चुका है, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझती हैं इस वक्त पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है फिटनेस ट्रेनिंग के हवाले से, इस फील्ड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सर, अवेयरनेस बहुत बड़ा मसला है। हमें ऐसा लगता है कि जब हमें फ़िटनेस की ज़रूरत है जब हमारा कोई फैमिली कहीं ना आ रहा है उससे बिल्कुल एक महीना पहले, हमें ये अवेयरनेस ही नहीं है कि हम किसी उकैन के लिए फ़िट नहीं हो रहे, फ़िट रहना हमारी ज़रूरत है, क्योंकि आपके ऊपर घर का सारा निज़ाम रिलाई करता है। अब अगर आप खुद फिट नहीं हैं तो आपकी जो थाट्स हैं वो भी उसी तरह से नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्स के दरमियान में घूमती रहेंगी, तो जो आपकी नेगेटिविटी होती है ना वो पॉजिटिविटी में तब चेंज होती है जब आप फिट होते हैं। और दूसरी बात है, आप अपने आप को वैल्यू करते हैं, जब आप अपने लिए टाइम निकालते हैं, इसका मतलब आप अपने लिए वैल्यूएबल हैं। अगर आप अपने लिए वैल्यूएबल हैं तो फैमिली के लिए वैल्यूएबल हैं। तो हमारा बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हमें ख़वातीन को बिल्कुल ही अवेयरनेस नहीं है फ़िटनेस की, हमारी अवेयरनेस बस इतनी है कि हमें पतला होना है या फिट नहीं होना, तो हम बस कोई ऐसा क्रश सा डाइट प्लान कर लें बस, उससे हमारा मसला हल हो जाएगा, जबकि होता नहीं है। मैम, करंटली आप कहाँ कहाँ पे फिटनेस ट्रेनिंग्स दे रही हैं और किन किन एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट कर रही हैं? आजकल आपका क्या मसरूफियत है? सर, मैं मेट्रो कैश एंड कैरी के साथ होती हूँ, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड क्लासेस करवाती हूँ, मुख्तलिफ कॉर्पोरेट सेक्टर्स के साथ मैं फ़िटनेस क्लासेस देती हूँ, और इसके अलावा मैं वर्चुअल क्लासेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है अपनी फैमिली को छोड़ना एक घंटे के लिए या दो घंटे के लिए, और अपनी फ़िटनेस पे कॉन्सेंट्रेट करना या कम्यूट करना। तो इन दोनों चीज़ों के लिए अगर वो हाउसवाइफ हैं तब भी, और अगर वर्किंग ख़वातीन हैं तो उनके पास इतना टाइम होता ही नहीं कि अपने वर्क प्लेस से आके वो घर को, बच्चों को और बाकी चीज़ों को देखें या अपनी फ़िटनेस को देखें। तो उसके लिए मैंने वर्चुअल मॉड्यूल्स जो हैं वो बनाए हैं, ताकि आप वर्चुअली जो है लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू क्लासेस ले सकें और अपने आप को फिट कर सकें। मैम, आजकल के दौर में जहाँ स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, आप क्या समझती हैं, एक्सरसाइज पे तो आपने भी काफ़ी बात की, लेकिन इसमें लाइफस्टाइल और डाइट का कितना रोल है और उसको कैसे मैनेज करना चाहिए? सर, लाइफस्टाइल का तो बहुत बड़ा रोल है आपकी ऑल ओवर आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में इटसेल्फ, क्योंकि जो आपका सोशल कल्चरल वैल्यू सिस्टम है ना वो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्स दे रहा होता है। तो इफ़ यू वांट टू लुक फॉरवर्ड, यू वांट टू लुक यंग, तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। अब वो लाइफस्टाइल ये नहीं है कि आप अच्छा ब्रांड पहने या आप अच्छी जगहों पे मूव करें, लाइफस्टाइल ये है कि आप जो हैं अपने आप को अच्छे से कैरी करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें और नए से नए चैलेंजेस को ढूंढें, अपना न्यू वर्जन डिस्कवर करें। ये है आपका लाइफस्टाइल, कि आप बस इधर उधर ये मतलब लोगों पर मत फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें कि आप अपने में क्या बेहतर ला सकते, बेहतरी कर सकते हैं, वो आपका लाइफस्टाइल होता है। मैम, कुछ टिप्स आप देना चाहेंगी डाइट के हवाले से, जो पाकिस्तानी लोग हैं ख़ास तौर पर जो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, वो किस तरह से इनिशियल स्टेज पे चीज़ों को मैनेज करें? सबसे पहली चीज़ जो हम जब फिटनेस के लिए हम ये सोचते हैं कि हमें फ़िट होना है, तो जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो स्टार्ट ड्रिंकिंग कैलोरीज रादर देन ईटिंग कैलोरीज, जो कि एक मिसकंसेप्शन है। जब आप कैलोरीज को ड्रिंक कर रहे हैं तो यू आर इंक्रीजिंग योर हंगर एक्चुअली, तो आप फिर कुछ ना कुछ खाएंगे, और
उस कैलोरी से जो आपको नॉर्मल फूड से मिलती है वो कैलोरी उससे डबल होगी। आप वेट तो लूज नहीं कर रहे। फिर दूसरी बात, आप अपना क्लॉक सेट नहीं करते। अगर आप वेट लॉस जर्नी की तरफ या फिटनेस जर्नी की तरफ जाना चाहते हैं बाय न्यूट्रिशन, तो आपको अपना क्लॉक सेट करना चाहिए, यानी कि प्री ब्रेकफास्ट, फिर आपका लाइट ब्रेकफास्ट, फिर आपका ब्रेकफास्ट, फिर आपका फ्रूट, फिर आपका सैलड, फिर आपका लंच, स्नैक, डिनर, मिल्क, इस तरह से होना चाहिए रूटीन उसकी। जैसे आप सुबह 6:30 बजे दालचीनी वाला पानी पी लें, रात दालचीनी का पानी रात को भिगो लें, फिर आप दलिया खा लें खजूर और बादाम डाल के, उसमें शुगर मत डालें, फिर 11 बजे आप एक अंडा और एक स्लाइस खा लें, फिर आप चाय अगर पीना चाहते हैं पी लें, ग्रीन टी पी लें, फिर आप एक फ्रूट ले लें, फिर आप दही और सैलड ले लें, रोटी 7 इंच की ले लें, बीच में आप डाइट रस ले लें या चना चाट ले लें, और रात को आप 7-8 बजे खाना खा चुके हों और रात को सोने से पहले दूध पी लें, आपका एक अच्छा डाइट प्लान हो जाता है। मैम, आने वाले वक्त में फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं और आप क्या क्या काम करना चाहती हैं? कोई ऐसा ख्वाब जो अभी तक आपके माइंड में हो जिसको आप अचीव करना चाहती हों या इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, वो क्या है? मैं पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करना चाहती हूँ दुनिया की नज़र में, क्योंकि मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा कहते हुए, लेकिन ये जो एक टेररिस्ट कंट्री का हमारे ऊपर एक लेबल लगा हुआ है, मैं इसको ख़त्म करना चाहती हूँ। ख़ासतौर पर ख़वातीन के मामले में ये दिखाया जाता है कि हम बहुत शिद्दत पसंद अपनी ख़वातीन के मामले में, गैरत के नाम पे हम जगह जगह कत्ल कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर दूसरी, अब जो नया हम पे एक लेबल लगने जा रहा है कि जी पाकिस्तान में ख़वातीन पर इतना ज़ुल्म व सितम होता है, इतना ज़्यादा रेप आपका बढ़ गया है कि बस हर दूसरा बंदा आपको दरिंदा लगता है, ऐसा तो नहीं है। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स उठा कर देखें, पाकिस्तान इस स्टेट में बहुत पीछे है, ये तमाम दुनिया में सब कुछ होता है, लेकिन वो रिपोर्ट भी होते हैं केसेस, लेकिन वो अपने कंट्री को तो गंदा नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर लेबल लग जाता है, फलां जगह ये हुआ, फलां जगह ये हुआ, फलां जगह ये हुआ। मैं चाहती हूँ एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का बने कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक सेफ स्टेट है किसी भी खातून के लिए, और मैं चाहती हूँ वर्किंग इन्वायरमेंट खवातीन का सेफ हो। उसके लिए खवातीन स्ट्रैटेजिक हो कि आप अपने वर्क इन्वायरमेंट को, पर्सनल और प्रोफेशनल को कैसे एक्चुअली अलग अलग लेके चलें, ये मेरा ख्वाब है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको पूरा करूँ। मैम, मुझे ये बताइएगा कि कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन से आप वाकिफ़ हैं, उनके काम को, उनकी राइटिंग्स को, उनके लेक्चर्स को आप कैसे देखती हैं? सर, मैं समझती हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर रहे हैं, वो एक अच्छे मेंटोर हैं, और मैंने अभी बुक भी लिखी है कासिम अली शाह साहब को डेडिकेट किया सेल्फ डिफेंस के हवाले से। मैं समझती हूँ उनकी जो तहरीरें हैं वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देती हैं, और सबसे जो अच्छी बात मुझे उनकी लगती है कि वो अपने करियर जर्नी के साथ उसको रिलेट करते हैं कि हर बच्चा अगर अपने आप को पहचाने तो वो वेल रिनाउंड हो सकता है। तो बिलीव इन सेल्फ की जो उनकी स्ट्रैटेजी है मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैम, जो हमारी यूथ है उसमें मेल्स भी हैं फीमेल्स भी हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगी? उनके पास क्लैरिटी नहीं है आजकल के दौर में, इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके बावजूद क्लैरिटी नहीं है और ये नहीं पता कि हमने करना क्या है। जो यंगस्टर्स हैं मैं उनको ये कहूँगी कि आप अपना फोकस जो है ना एक्स्ट्रा चीज़ों की बजाय स्किल सेट पर रखें, स्किल अपना डिवेलप करें और अपने एथिक्स पर काम करें, क्योंकि कोई भी स्किल हो, कोई भी काम हो, अगर आपके एथिकल वैल्यूज़ नहीं हैं आप ज़िंदगी में कहीं भी स्टैंड नहीं कर सकेंगे। आपके एथिकल वैल्यूज़ होंगे, आप घर से बाहर निकले हैं, ना सिर्फ अपनी फैमिली का नाम ख़राब कर रहे हैं बल्कि अपने कंट्री का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम ख़राब करें। अपने एथिकल वैल्यूज़ को तवज्जो दें, स्किल सेट के साथ, स्किल आपको आ जाती है, एथिकल वैल्यूज़ बहुत मैटर करते हैं बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच आयशा मुजम्मिल साहिबा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से आपको बहुत फ़ायदा होगा, ख़ास तौर पे इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पे बात की कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग उनको लेनी चाहिए और ये किस तरह उनकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है और इंसान की ज़िंदगी में पॉजिटिव थिंकिंग की क्या वैल्यू है, इस पर भी इन्होंने बहुत डिटेल में गुफ्तगू की। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।